हमारे सौर मंडल में जुपिटर राजा की तरह राज करता है। यह ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के कारण सबसे अलग है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बाकी सबसे विशाल। इसका व्यास लगभग 143,000 किलोमीटर है, जो इसे एक अद्वितीय और प्रभावशाली ग्रह बनाता है। यह विशाल दुनिया एक गैस जायंट है, जो हमारी पृथ्वी की तरह ठोस चट्टान से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गैसों से बना है। इसके वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं, जो इसे एक रहस्यमय और आकर्षक ग्रह बनाते हैं। जुपिटर का विशाल आकार और भव्यता सदियों से खगोलविदों को मोहित करते रहे हैं। इसके अध्ययन ने हमें हमारे सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। प्राचीन सभ्यताओं ने रात के आसमान में इसकी चमकदार उपस्थिति को देखा था। उन्होंने इसे एक दिव्य संकेत माना और इसके बारे में कई कहानियां और मिथक बनाए। उन्होंने इसका नाम रोमन देवताओं के राजा जुपिटर के नाम पर रखा, जो इसके प्रभुत्व के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। यह नाम इसके विशाल और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है। पृथ्वी के विपरीत जुपिटर में एक ठोस सतह नहीं है। यह एक विशाल गैस का गोला है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बजाय यह मुख्य रूप से गैसों से बना है, जो इसे एक गैस दानव बनाता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैसें जुपिटर के विशाल और गहरे वातावरण में पाई जाती हैं। ये गैसें जुपिटर के घने वातावरण में घूमती और मथती हैं, जिससे इसके बादलों में तूफान और बवंडर बनते हैं, जिससे एक लगातार बदलती और गतिशील दुनिया बनती है। जुपिटर का वातावरण बहुत ही गतिशील और परिवर्तनशील है। जैसे जैसे आप जुपिटर के वायुमंडल में गहराई में उतरते हैं, दबाव और तापमान नाटकीय रूप से बढ़ते जाते हैं। यह एक बहुत ही चरम वातावरण है। हाइड्रोजन गैस इतनी संकुचित हो जाती है कि यह एक धात्विक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जो बहुत ही अद्वितीय है, और धातु की तरह बिजली का संचालन करती है। यह धात्विक हाइड्रोजन जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। जुपिटर का आकार वाकई आश्चर्यजनक है। इसका व्यास लगभग 86,881 मील है, जो इसे पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा बनाता है। इसे समझने के लिए आप जुपिटर के अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वी फिट कर सकते हैं। जुपिटर की संरचना सूर्य के समान है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। यह समानता जुपिटर के गठन और एक तारा बनने की इसकी क्षमता का संकेत देती है, यदि यह और अधिक विशाल होता। भाग 4, ग्रेट रेड स्पॉट, सदियों से चला आ रहा एक स्टॉर्म। जुपिटर की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। यह विशाल प्रतिचक्रवात इतना बड़ा है कि यह पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले सकता है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के अशांत वातावरण का प्रमाण है। इस विशाल तूफान के भीतर हवाएं 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जिससे घूमते हुए बादलों और गासों का भंवर बनता है। भाग 5, जोवियन सिस्टम, एक मिनी सौर मंडल। जुपिटर में चंद्रमाओं की एक उल्लेखनीय प्रणाली है, जिसमें 75 से अधिक पुष्टि किए गए उपग्रह गैस जायंट की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा आकार, संरचना और इतिहास में बहुत भिन्न है। प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। जुपिटर के सबसे पेचीदा चंद्रमाओं में गैलीलियन चंद्रमा है, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये चार चंद्रमा, जिन्हें 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने खोजा था, इतने बड़े हैं कि उन्हें अपने आप में ग्रह माना जा सकता है। भाग 6, हमारे सौर मंडल में बृहस्पति की भूमिका। जुपिटर का विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हमारे सौर मंडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रह अपने विशाल आकार और द्रव्यमान के कारण एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, जो सौर मंडल के अन्य पिंडों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह एक गुरुत्वाकर्षण ढाल के रूप में कार्य करता है, जो धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित या कब्जा करता है। यह प्रक्रिया हमारे ग्रह पृथ्वी को संभावित खतरों से बचाने में मदद करती है। धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित या कब्जा करता है, जो अन्यथा पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरे अधिक हो सकते थे। इसके अलावा जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण ने सौर मंडल में अन्य ग्रहों की कक्षाओं को आकार देने में मदद की है। यह ग्रहों की स्थिरता और उनके बीच के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की स्थिरता और संतुलन में योगदान करते हैं। जुपिटर की उपस्थिति ने सौर मंडल के विकास को प्रभावित किया है और इसे एक स्थिर और रहने योग्य स्थान बनाया है। इसकी उपस्थिति हमारे सौर मंडल के विकास और रहने योग्यता में सहायक रही है। इसके बिना हमारे सौर मंडल का स्वरूप और संरचना बहुत अलग हो सकते थे।